में जाते हैं, इस तरह का जो ये भजन गाया जा सकता है। तो इसमें क्या कह रहे, हरे कृष्णा हरे निताई की नाम एने छेरे, हरे कृष्णा हरे निताई नाम एने छे, ना मेरे हाटे श्रद्धा मूल्य नाम दीते छेरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे, जीवेर दशा मलिन देखे नाम एने छे ब्रज थे केरे, ये नाम शिव जपे पंचमुखे रे, मधुर ए हरि नाम, ये नाम ब्रह्मा जपे चतुर्मुखे रे, मधुर ए हरि नाम, ये नाम नारद जपे बिना जंत्रे रे, मधुर ए हरि नाम, ये नाम भासे अजामिल वैकुंठ गेलो रे, ये नाम बोलते बोलते ब्रजे चलो रे, भक्ति विनोद बोले रे। तो इस भजन में शिला भक्ति विनोद ठाकुर क्या कह रहे हैं कि हरे कृष्णा हरे, हरे कृष्णा हरे, ये बोल रहे हैं कि आप लोगों के लिए नित्यानंद प्रभु ने ये स्पेशल कृपा लेके आए हैं ये हरि नाम। इससे क्या होगा, नामेर हाटे नाम एने छेरे, नाम हट में नाम लेकर के आए हैं, भगवान का नाम जो ये नाम है, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ये साधारण नाम नहीं है। ये जो हरे कृष्ण महामंत्र है ये साधारण नहीं है, एक बार भी अगर कोई व्यक्ति नाम ले लेता है, केवल एक बार भी केवल बोल देता है कृष्ण, बस बस इतना ही, बस बोल दे कृष्ण, बोलिए जोर से बोलिए, आप जहां पे भी हैं वहीं पे बोलिए कृष्ण, बोलिए कृष्ण, कृष्ण कृष्ण बस एक बार नाम लेने पर कितना इसका प्रभाव है मैं आपको बता रहा हूं। देखो आप श्रीमद् भागवतम का एक श्लोक मैं कोट कर रहा हूं, आप कितना बड़ा प्रचार कर रहे हैं अगर कोई व्यक्ति एक बार नाम लेने के लिए आप उसको बोल रहे हैं, बहुत बड़ी बात है। अगर किसी को आप बोल रहे हैं कि भाई देखो एक बार तुम बोलो हरे कृष्ण, बस फोन पे जैसे कोई बोलता है ना, तो मैं इसको आपको सुनाता हूँ ना, आपन्नः संस्कृतिं घोराम, ये श्रीमद् भागवतम के पहले स्कंद के पहले अध्याय का 14वां श्लोक, आपन्नः संस्कृतिं घोराम यन्नाम विवशो गृणन ततः सद्यो विमुच्येत यद विभेति स्वयं भयम्। कह रहे हैं जन्म तथा मृत्यु के जाल में उलझे हुए जीव यदि अनजाने में भी कृष्ण के पवित्र नाम का उच्चारण करते हैं, तो कल हम ट्रेन में आ रहे थे तो शाम को हम हरिनाम संकीर्तन कर रहे थे, एक व्यक्ति को मैंने देखा, वो मजदूर था, बहुत टेंशन में ऐसे बैठा, बड़ी टेंशन में बैठा था। मैं उसको बोला बोलो बोलो हरे हरे कृष्ण महामंत्र बोलो, कुछ तो बोलो, लेकिन वो जो है ठीक है सुनते हैं करते हैं, ताली बजाओ ऐसे बोल रहा था मैं। हम सारे ब्रह्मचारी लोग सब लोग मिलकर के कीर्तन कर रहे थे ट्रेन में, तो वही मैं देख रहा था कि ये जो लोगों के मुंह से निकल ही नहीं रहा, फिर मैंने जबरदस्ती उसके हाथ पे कंधा रख करके, कंधे पे हाथ रख करके मैंने बोला और भाई बोलो बोलो हरे कृष्णा बोलो, आपको विश्वास नहीं होगा एक बार हरे कृष्ण बोलने का कितना बड़ा फल है। इसलिए बहुत 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 ही बड़ा प्रचार है अगर हम सिर्फ हरे कृष्णा लोगों से बुलवा रहे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, अगर हम केवल ये बोल रहे हैं, जाने अनजाने में कोई व्यक्ति अगर कृष्ण के पवित्र नाम का उच्चारण करता है, किस लिए, आपन्न
संस्कृतिम घोरा, तो यन्नाम विवशो घृणत, अनजाने में भी अगर विवश होकर कहीं पे भी आ गए या देख रहे हैं आ गए भाई हरे कृष्णा वाले, हाँ वो हरे कृष्ण, कोई थोड़ा सा भी अगर एक बार भी भगवान का नाम लेता है तो क्या होता है उसका जन्म मृत्यु का जो चक्कर है वो उसी दिन से समाप्त तो होना शुरू हो जाता है। जन्म मृत्यु के चक्कर, जैसे पैरासीटामोल टैबलेट नहीं होती, आपने खाई तुरंत तो नहीं सही होगा लेकिन तबीयत सही होना शुरू हो गई, अब वो एक दो दिन में पूरा तबीयत ठीक करके ही जाएगा। उसी तरह से जब आप आते जाते रहते हैं, इसीलिए भक्तों को मैं तो रिक्वेस्ट करता हूँ अगर आप ऐसा कर सके तो बहुत अच्छा, जब भी आप आ रहे हैं जा रहे हैं कहीं पे भी जा रहे हैं एक छोटा करताल रखिए आप, है तो मैं भी रखता हूँ, कुछ करना नहीं है आप, एक छोटा है ऐसे करताल रखना है आपको ना। ऐसे एक छोटा करताल रखना है, कुछ नहीं करना है, जब भी आप कहीं ऑफिस से आ रहे हैं जा रहे हैं अकेले आ रहे हैं कोई पैदल चल रहे हैं कोई प्रॉब्लम नहीं, बस वहीं पे आते जाते ही अपना हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम। आप इतना बड़ा बेनिफिट कर रहे हैं, इतना बड़ा प्रचार कर रहे हैं, इतना बेनिफिट कर रहे हैं, जो लोग हरिनाम ले रहे हैं वो कितना, उनका जन्म मृत्यु का चक्र खत्म हो जाएगा, उनको भी पता नहीं वो कुत्ता जो आपके आसपास से गया वो कीर्तन करते हुए आप जा रहे थे उसके कान में हरे कृष्णा पड़ गया, अगला जन्म उसको मनुष्य का शरीर मिलेगा उस कुत्ते को, कितना प्रभावशाली है ये हरे कृष्ण महामंत्र, है ना, तो तुरंत ही मुक्त हो जाते हैं क्योंकि साक्षात भय भी इससे इस नाम से भयभीत रहता है। तो ये इस बात का सूचक है कि कृष्ण का नाम भगवान कृष्ण से अभिन्न है, अतः कृष्ण का नाम स्वयं कृष्ण के ही समान शक्तिमान है, उनके तनिक भी अंतर नहीं। तो जब हम कीर्तन करते हुए रास्ते में जाते हैं रोड पे जाते हैं या ट्रेन में कीर्तन करते हैं तो क्या होता है एक तरह से उनके सामने हम साक्षात कृष्ण को लेके जा रहे हैं, साक्षात कृष्ण, सोचो गोलोक वृंदावन में जो कृष्ण है वही साक्षात अगर किसी व्यक्ति को जो दर्शन हो जाते हैं वो क्या, वो कुछ उसका बहुत सुकृति हो जाएगा। तो इसी चीज को यहाँ पर कह रहे हैं ना, क्या कह रहे हैं, हरे जीवेर दशा मलिन देखे नाम एने छे ब्रज थे केरे, कह रहे हैं कि नित्यानंद प्रभु तो वहां ब्रज में बैठे थे, वो जीव की बहुत मलिन दशा देख करके नहीं तो कभी निकल नहीं पाएंगे, हर जन्म में अभी भी आप देखो सुबह ब्रेकफास्ट बनाना है, बच्चों का लंच पैक करना है, फिर उनको ब्रेकफास्ट देना है, फिर उसके बाद हस्बैंड जा रहे हैं उनकी सेवा करनी है, और इस तरह से करते 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 सारा टाइम चला जाता है, और कभी भी भगवान का भजन सीरियसली नहीं करते। हाँ कुछ लोग करते हैं, उनको लगता है कि नाम तो होना चाहिए कि हम पूजा पाठ वाले व्यक्ति, तो वो क्या करते हैं थोड़े भजन लिखा दे, थोड़े भजन जो है सुनने लगे कार में लगा देंगे, है ना, क्या है वो भजन, मतलब थोड़े ऐसे ही भजन लगा देंगे उससे लोग इंप्रेस हो जाएंगे, देखो भाई भजन सुनते हैं, या फिर एक से मैंने बोला कि माला कीजिए तो उन्होंने कहा कि हमें ऐसे नाम बाहर से लेने की जरूरत नहीं, अंदर ही अंदर हमारा चलता रहता है, कोई प्रॉब्लम नहीं। दूसरा चीज, मैं ऑडियो कीर्तन सुन लो प्रभु जी, ठीक रहेगा, ये नहीं ठीक रहेगा, हमको खुद पढ़ना चाहिए। दो भक्तों को लीजिए, एक अकेले नहीं दो तीन भक्तों को लीजिए, जूम पे आइए और खुद से ही पढ़ने का शेड्यूल बना लीजिए, हर दिन 11:30-12 बजे से लेके कुछ दिन का आप शेड्यूल बना लीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे कह रहे नित्यानंद प्रभु ये नाम लेके आए हैं, नाम हट में लगाए हैं, श्रद्धा मूल्य नाम दीते छेरे, जिस किसी को व्यक्ति को भी चैतन्य महाप्रभु पे श्रद्धा है वो व्यक्ति नाम लेके जा सकता है ना, इस नाम से शुद्ध प्रेम लेके जा सकता है। जीवे दशा मलिन देखे नाम एने छे ब्रज थे के, ब्रज में थे और वहां से जीव की दशा को देख करके भगवान जो है
तो ये जो है जीव की दशा को देख करके प्रचार भक्तों को भेजते हैं, ठीक है। तो ये जो है फिर क्या कह रहे हैं, ए नाम ब्रह्मा जपे चतुर्मुखे रे मधुर ए हरि नाम। तो ये इतना मधुर है कि चारों मुंह से ब्रह्मा जी चैंटिंग करते हैं। आप समझ पा रहे हैं? तो फिर क्या कह रहे हैं, ए नाम शिव जपे पंच मुखे रे, शिव जी पांच मुख से इसी नाम का जाप कर रहे हैं। ए नाम नारद जपे वीणा यंत्र रे, तो नानद मुनि जब आते हैं थोड़ा म्यूजिकल जो है भगवान का नाम जप करते हैं। फिर क्या करें, ए नाम आबासे आजा मिल वैकुंठ गेलो रे, ए नाम बोलते बोलते ब्रज चलो रे। तो ये कह रहे हैं कि ये नाम लेते लेते ब्रज में चलो, और ये नाम आभास अजामिल की वजह से अजामिल वैकुंठ को चला गया। और फिर क्या हुआ, ए नाम नारद जपे बिना यंत्रे रे, ठीक है। तो ये जो है नगर कीर्तन वाला गीत है, हम इसको अब यहीं पर क्लोज करते हैं। हमें थोड़ा सा ट्रैवल भी करना है, तो अभी हम ज्यादा प्रश्न उत्तर ले सकते हैं, एक दो प्रश्न ले सकते हैं। यदि किसी के मन में कोई प्रश्न है तो एक प्रश्न हम ले सकते हैं। आज चर्चा में आपने देखा वो हरि नाम के ऊपर महिमा बता रहे हैं, हरि नाम संकीर्तन में कैसे होना चाहिए इसके बारे में वर्णन कर। ठीक है, तो अभी इसको यहीं पर, किसी के मन में कोई प्रश्न अनम्यूट करके बोल सकते हैं, एनी क्वेश्चंस। ठीक है, तो अभी हरे कृष्ण, कोई पूछ रहे हैं कुछ? नहीं, ठीक है, तो हम अभी इसको यहीं पर समाप्त करते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मैं सब भक्तों को अनम्यूट कर रहा हूँ और फिर इस मीटिंग को क्लोज कर रहा हूँ। हरे हरे कृष्ण। कृष्ण प्रभु जी धन प्रणाम, हरे जी कृष्ण प्रभु जी धन हरे प्रणाम, कृष्णा प्रभु जी थैंक यू सो मच, सास हरे कृष्णा प्रभु जी दंड दंडवत प्रणाम, हरे प्रणाम। कृष्णा माता जी प्रभु जी सबको दंडवत प्रणाम, हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी।